हेलो, आप सब कैसे हैं? क्लास टू ग्रामर लेसन थ्री मात्राएं। चलिए आज हम पढ़ते हैं मात्राएं। बच्चों, जब भी हम स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उनके साथ कुछ विशेष चिन्ह लगाते हैं। स्वरों के ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ये मात्राएं व्यंजन के आगे पीछे, ऊपर नीचे या बीच में लगाई जाती है। जैसे ती त ली तितली, को य ल कोयल। हिंदी भाषा में स्वरों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। आइए अब मात्राओं और उन्हें सही स्थान पर लगाने के बारे में जानें। मात्राएं और उन्हें लगाने की विधियां। अ और आ की मात्रा। अ की स्वयं की कोई मात्रा नहीं होती है, यह प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। अ रहित व्यंजन को हम हलंत लगाकर लिख तो सकते हैं, लेकिन उसे स्पष्ट उच्चारित नहीं कर सकते हैं। जैसे अ युक्त व्यंजन बराबर क, च धन आ च, ट धन आ ट, पा ल क पालक, अ नार अनार। ई और ई की मात्रा। की ताब ही रन। ई की मात्रा। चीता मकड़ी। ओ की मात्रा। गुलाब तुलसी। ऊ की मात्रा। सूरज भालू। ऋषि की मात्रा। वृक्ष कृषक। ए और ए की मात्रा। सेब शेर। मैना थैला। ओ और ओ की मात्रा। डोली टोपी। खिलौना नौका। अंग और आहा का प्रयोग। हंस कंगन। अहा को विसर्ग द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे प्रायः अतः। रा में ऊ और ऊ का प्रयोग। रुपया रुपया। गुरु गुरु। घुंघरु अमरूद। इस प्रकार जब आप पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो आपको मात्राओं का ज्ञान और होता जाएगा, और जब आप लिखते हैं तो उसके साथ लिखने के साथ साथ उच्चारण भी करेंगे। अब यहाँ हम अभ्यास कार्य को समझेंगे, आप भी अपनी तरफ से समझिए। पहला दिया हुआ है, सही उत्तर के सामने गोला लगाइए। तो ये यहाँ पर गोला दिया हुआ है, आप अपनी बुक में भी मार्क कर लीजिएगा और चित्र में देख के वर्ण या सही मात्रा लिखिए। आम मछली रोटी। अगले अभ्यास की ओर जाएंगे। पेज नंबर 26 में हम देखेंगे मुर्गा ढोल चूहिया भालू गोभी केला। टोकरी में से सही व्यंजन चुन के नाम पूरा कीजिए, जो कि आप खुद स्वयं से करेंगे। अगले पेज में देखते हैं, पेज नंबर 27।
मटर, किताब, पीपल, घड़ा, टमाटर, छतरी। पेज नंबर 28। आओ कुछ नया करें। यहाँ कुछ शब्दों के अक्षर उलट पुलट हो गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाकर शब्द बनाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस दें, आपका नाम लिखकर। थैंक यू।